हे गाइज, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कैसे गाइज पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा दूं गाइज कि मेरा पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट हो गया है। जैसे कि मैं यहाँ पर पेटीएम को ओपन कर चुका हूँ और पेटीएम को ओपन करने के बाद जैसे मैं वॉलेट वाले आइकन में जाता हूँ तो देख सकते कि मेरा पेटीएम यहाँ पर वॉलेट एक्टिवेट हो चुका है। और जैसे आप यहाँ पर पासबुक वाले ऑप्शन में जाता हूँ गाइज, तो पासबुक वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते मेरा पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट है। और यहाँ पर देख सकते कि मैं 267 रुपया मैं यहाँ पर ऐड करके रख चुका हूँ और मैं यहाँ पर फुल्ली मेरा पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट है और इसे यूज भी कर पा रहा हूँ गाइज। अगर आप भी चाहते हो पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट करने के लिए और पेटीएम वॉलेट को यूज करने के लिए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना है गाइज। इसमें देख सकते हैं कि मेरा पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट है, लेकिन गाइज इस वाले फोन में मेरा पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट नहीं है। तो मैं इस फोन को रख देता हूँ साइड में और इस फोन को मैं आपको इस वाले पेटीएम को वॉलेट एक्टिवेट करके लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो एक वीडियो देख रहे हैं उसको एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो रेड वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब, यहाँ पर एक घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। इतना करना बहुत जरूरी है। अगर गाइज आप चाहते हो पेटीएम से 100 रुपये का या 200 रुपये का कैशबैक प्राप्त करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अगर इससे आप फर्स्ट बार में पेटीएम को डाउनलोड करके फर्स्ट बार में किसी को पेमेंट कीजिएगा तो आपको 100 रुपये का कैशबैक मिलने वाला है। वहीं पर आपको गूगल पे को यूज करके अगर गूगल पे को फर्स्ट बार में डाउनलोड करके फर्स्ट बार में किसी को भी पेमेंट सेंड कीजिएगा गाइज तो आपको 200 रुपये का कैशबैक मिलने वाला है। तो आप जाइए दोनों को यूज कीजिए, यानी 300 रुपये का आप लाभ उठा सकते हैं। तो जाइए पहले पेटीएम को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आप गूगल पे को यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैसे गाइज पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं कि पेटीएम को ओपन कर लिया हूँ। अब जैसे ही गाइज पेटीएम को ओपन कर लेने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस खुल के आ जाता है। यहाँ पर चलता हूँ पेटीएम वॉलेट में। जैसे मैं वॉलेट में जाता हूं तो यहां पर दिखाया जाता है कि पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट है। और यहां पर जब भी गाइज आप पेटीएम वॉलेट को यूज करने जाते होंगे गाइज तो पेटीएम वॉलेट यूज नहीं हो पाता होगा, कुछ इस तरह के इंटरफेस खुल के आ जाता होगा। तो यहां पर आपको नीचे चले जाना है। नीचे आने के बाद पासबुक बेनिफिशियरी का ऑप्शन दिखेगा। पासबुक हिस्ट्री पर एंड हिस्ट्री पर आप जैसे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं ध्यान से देखिए तो मेरा पेटीएम अकाउंट यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 10,000 का कैशबैक देने वाला है अगर मैं पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट करूँगा। तो सब कुछ मैं बताऊँगा कैसे एक्टिवेट करना। और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन शो हो जाता है। ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन शो हो जाता है। अब कैसे एक्टिवेट करना सब कुछ इस लाइव प्रूफ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना। गाइस जैसे मैं एक्टिवेट पर क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैं एक्टिवेट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का लोडिंग लिया जाता है और यहाँ पर बताया जाता है सॉरी वी ओपनिंग इज टेम्प्रोरली नॉट अवेलेबल, यानी कि अभी फिलहाल में ये जो है यहाँ पर पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट नहीं कर पाओगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कैसे इसे एक्टिवेट करने के लिए। एक्टिवेट करने के लिए आपको बैक चले आना, बैक चले आना, आपको सर्च बार में टाइप करना है पेटीएम KYC, यानी कि आपको पहले पेटीएम KYC करना पड़ेगा तभी आपको यहाँ पे वॉलेट को एक्टिवेट कर पाओगे। तो पेटीएम KYC सर्च कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है गाइस। जैसे आप वेट कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर होम स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर चैट विद यूज पर आप क्लिक कर दीजिएगा, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है गाइज। मैं आपको जो बता रहा हूँ प्रोसेस उसी प्रोसेस से आप फॉलो कीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा कैसे आप पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट कर पाओगे। यहाँ पर देख सकते हैं मुझे कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है जैसे कि यहाँ पूरा लोडिंग होगा। और गाइज अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इससे घंटा को ऑल पर सेट बहुत जरूरी से कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे बोला जा रहा है कि आप वीडियो KYC थ्रू आप RBI का रूल है उसे आप फॉलो करना पड़ेगा। तो नीचे में आना, नीचे में एक ऑप्शन दिख जाएगा आई वांट टू कंप्लीट माय KYC, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कर दीजिएगा तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना। आप वेट करने के बाद यहाँ पे कुछ मैसेज आएगा तो आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना। अब जैसे क्लिक हेयर पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर अपग्रेड नाउ का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो इसका स्क्रीन शॉट तो मैं नहीं ले पाऊंगा। फिर से अपग्रेड नाउ पर क्लिक करना, उसके बाद प्ले स्टोर सेलेक्ट कर लेना। अब प्ले स्टोर सेलेक्ट करने के बाद मुझे रिडायरेक्ट कर देगा प्ले स्टोर में। अगर आपके पास पेटीएम यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है, अगर आपके पास पेटीएम यहाँ पर आपको अपडेट नहीं है तो पहले आपको अपडेट कर लेना है। तो मेरा ऑलरेडी अपडेट है तो यहाँ से बैक चले आना। बैक आने के बाद यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है, देख सकते हैं पेटीएम वॉलेट। तो पेटीएम वॉलेट सर्च करने के बाद कुछ इसी तरह का इंटरफेस आ जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं आना है। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पर देख सकते हैं पेटीएम बैंक का ऑप्शन दिख जाएगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही पेटीएम बैंक पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। अब जैसे ही क्लिक कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा, तो जो भी आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं उसको आप सेट करके फिर से कन्फर्म कर दीजिएगा।
अब कंफर्म करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। अब जैसे मैं परमिशन को अलाउ कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग में अभी टाइम लगेगा। तो यहाँ मैं जैसे पर कैंसिल पर क्लिक करता हूँ, फिर से पेटीएम पासबुक में जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको आने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना और टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं गाइस कि हाँ इसके यहाँ पर प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है गाइस कि आप यहाँ पर जो आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ पर वॉलेट एक्टिवेट करने के लिए, तो अभी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ यहीं से आपको सारा कुछ होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे मैसेज भी आ चुका है पेटीएम के वाई सी करने के लिए। तो यहाँ पर मैं जो यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ आधार कार्ड, उसके बाद यहाँ पर सब कुछ फिल करके एक्टिवेट वाई वॉलेट पर अभी क्लिक करने वाला हूँ। गाइज सब कुछ फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नाम लिख देना, ऊपर में आता आपको आधार नंबर लिख देना। मैं यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सन के लिए ब्लर कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर करने के बाद यहाँ टर्म एंड कंडीशन जो एक्सेप्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ पर आपको एक्टिवेट माई वॉलेट पर आपको क्लिक कर देना। अब जैसे क्लिक कर दीजिएगा तो आपके नंबर पर OTP जाएगा, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना। जो भी आपका नंबर रजिस्टर रहेगा आधार कार्ड में ऊपर में शो कर जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद OTP आ गया है, तो मैं यहाँ पर OTP को फिल कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि फिल कर देता हूँ, उसके बाद फिल करने के बाद मैं यहाँ पर फिर से वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। फिल करने के बाद यहाँ पर कंफर्म विद OTP कर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको पेटीएम वॉलेट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस मेरा पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट हो गया और मैं यहाँ पर जो आ चुका हूँ गाइस। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर पेटीएम वॉलेट में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाने वाला हूँ, ध्यान से समझना है आपको गाइस। अब यहाँ पर आने के बाद पेटीएम वॉलेट पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर वॉलेट एक्टिवेट करने का ऑप्शन ये शो कर रहा है। मैं यहाँ पर आपको बैक आता हूँ और बैक आने के बाद यहाँ पर पासबुक वाले ऑप्शन में जाता हूँ और जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद देख सकते हैं मेरा पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं जो एक्चुअली पेटीएम वॉलेट ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मेरा यहाँ पर पेमेंट ऐड करके आप लोगों को भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना। मैं यहाँ पर पेटीएम वॉलेट में पेमेंट को ऐड करने वाला हूँ। तो पेमेंट ऐड करने के लिए ऐड पेमेंट वॉलेट पर आपको क्लिक कर लेना, उसके बाद जितना ऐड करना है मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे प्रोसेस पर क्लिक कर देता हूँ और आप लोगों को मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं कि डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद नहीं तो UPI है तो UPI पर नंबर पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मुझे डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड पर सेलेक्ट कर ले जाऊँ। अब मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड का नंबर, यहाँ पर एक्सपायरी डेट और यहाँ पर CVV नंबर डालने वाला, तो मैं यहाँ पर बैक आता हूँ और बैक आने के बाद यहाँ पर बैक आता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर 7 रुपया ऐड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर 7 रुपया लिख देता हूँ, आपके सामने सब कुछ लाइव ऐड करने वाला हूँ। तो मेरे अकाउंट में 7 रुपया डेबिट कार्ड में, तो ज़्यादा मैं ऐड नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर डेबिट कार्ड का नंबर फिल कर देता हूँ, तो आपके सामने सब कुछ लाइव फिल करूँगा। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है गाइज। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं सब कुछ यहाँ पर फिल कर दिया हूँ, उसके बाद पे यहाँ पर सिक्योरिटी पर क्लिक कर देता हूँ। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरे डेबिट कार्ड पर एक OTP जाएगा। तो थोड़ा सा जैसे ही वेट कर लेता हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस खोलने के लिए मिल रहा है। मैं इसमें आपको सब कुछ लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो मुझे OTP आने वाला है, तो मैं यहाँ पर OTP आ गया, तो मैं यहाँ OTP को फिल कर देता हूँ। तो जैसे मैं OTP को फिल कर देता हूँ, देख सकते हैं मैं OTP फिल करने वाला हूँ आपके सामने लाइव प्रूफ। तो मेरा OTP है जो यहाँ पर देख लेता हूँ गाइज। तो यहाँ पर जो मेरा OTP है 092142, इतना सबमिट करने के बाद जैसे मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ, तो देख सकते हैं आपके सामने लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। और मैं यहाँ पेटीएम वॉलेट में मुझे पेमेंट यहाँ पर ऐड हो गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। थोड़ा सा वेट कर लेना है गाइज, यहाँ पर कुछ रुक गया लगता है मेरा प्रोसेसिंग, तो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मुझे मेरे पेटीएम वॉलेट में पेमेंट ऐड होने के लिए रेडी हो गया। तो फिर से अभी प्रोसेसिंग ले रहा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइज। अब जैसे ही वेट करता हूँ तो देख सकते हैं गाइज वो थोड़ा सा रुक गया और यहाँ पर प्रोसेसिंग कुछ कंप्लीट हो गया गाइज। अब मेरा देख सकते हैं पेटीएम वॉलेट में 7 रुपया ऐड भी हो गया गाइज, जो मुझे कैशबैक भी मिल चुका है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कैशबैक को रिसीव करता हूँ। अगर आप चाहते हो गाइज पेटीएम से 100 रुपये का कैशबैक प्राप्त करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कीजिए और फर्स्ट वन किसी को पेमेंट कीजिए, तो आपको यहाँ पर आपको 100 रुपये का कैशबैक मिलने वाला। मेरा पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट हो गया गाइज, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और मुझे 5 रुपये का रिवार्ड पॉइंट यानी कैशबैक भी मिल गया गाइज। तो मैं यहाँ से कट करता हूँ और आप लोगों को दिखाते हैं कि मैं 5 रुपये यहाँ पर कैशबैक यहाँ पर दिखाने वाला है गाइज। तो अभी फिलहाल मैं नहीं दिखा रहा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, और वेट करने के बाद मुझे यहाँ पर चलता हूँ बैक और मैं चलता हूँ पेटीएम वॉलेट में और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मुझे भी यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा, थोड़ा देर के बाद मुझे शो कर जाएगा। आई होप गाइस इस तरह से आप पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।